Hello everyone, welcome to my YouTube channel Paris Learning. So in today's video we are going to discuss direct method of ELT. So let's proceed. सबसे पहले हम लोग इसकी history को discuss कर लेते हैं. So actually में direct method जो था वो develop किया गया था as a reaction to the grammar translation method जिसको हम GTM भी कहते हैं. So ये उसका as a reaction आया था, ठीक है. In the mid and late 19th century, Europe experienced a wave of increasing opportunities of communication due to the industrialization and international trade and travel. अब ये हुआ था कि mid और late 19th century के अंदर Europe जो था ना उस वो देख रहा था कि different opportunities of communication because यहाँ पर industrialization बहुत ज़्यादा हो रही थी, international trade बहुत ज़्यादा था, travel बहुत ज़्यादा था. So ये था कि a need was felt to develop an oral proficiency in फॉरन लैंग्वेज. तो एक जरूरत महसूस की गई कि हमें जरूरत है डेवलप करने की ओरल प्रोफिशिएंसी इन फॉरन लैंग्वेजेस, ठीक है. सो द लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट फ्रैंकोइस गोइन, आई डोंट नो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बिकॉज ये है कि ये फ्रेंच वर्ड है, एंड अदर रिफॉर्मर्स ट्राइड टू क्रिएट अ मेथड बेस्ड ऑन द इनसाइट्स ड्रॉन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ चाइल्ड लैंग्वेज लर्निंग. अब ये था कि हमारे पास एक टीचिंग एक्सपर्ट था फ्रैंकोइस गोइन और कुछ और रिफॉर्मर्स ने मिलके एक मेथड को क्रिएट किया और उन्होंने उस मेथड की बेसिस कहाँ से ली, उस चीज़ से कि जो बच्चे हैं वो अपनी लैंग्वेज को किस तरह से एक्वायर करते हैं. उन्होंने वो सारी ऑब्जर्वेशंस ली और उन्होंने एक मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया. सो दे यूज द नेचुरल वे टू कम्युनिकेट लाइक अ बेबी लर्निंग इट्स मदर टंग. उन्होंने उस मेथड को एनालाइज किया और उन्होंने ऐसा मेथड इंट्रोड्यूस करवाया जैसे बच्चे जो है ना वो अपनी मदर टंग को एक्वायर करते हैं. वो नेचुरल वे के अंदर उन्होंने कम्युनिकेशन करने के लिए एक मेथड इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है. सो डायरेक्ट मेथड को हम डायरेक्ट मेथड क्यों कहते हैं, बिकॉज मीनिंग शुड बी कनेक्टेड डायरेक्टली विद द टारगेट लैंग्वेज विदाउट ट्रांसलेशन इनटू द नेटिव लैंग्वेज. उसका जो कॉन्सेप्ट है मीनिंग ऑफ टारगेट लैंग्वेज, ठीक है. अब डायरेक्ट मेथड को हम डायरेक्ट इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास मीनिंग जो होता है या हमारा जो कॉन्सेप्ट है हम उसको टारगेट लैंग्वेज के साथ ही कनेक्ट करते हैं. हम उसको हरगिज़ जो है उसको नेटिव लैंग्वेज के साथ उसको ट्रांसलेट करके उसके साथ कॉन्सेप्ट जोड़ के नहीं बताते. इस वजह से इसको कहते हैं कि लर्निंग जो है वो डायरेक्ट है. आप डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज पर फोकस कर रहे हो, आप नेटिव जो लैंग्वेज है उसको बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं कर रहे, ठीक है. द डायरेक्ट मेथड एम्स टू प्रोवाइड लैंग्वेज लर्नर्स विद अ प्रैक्टिकली यूजफुल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, ठीक है. नोइंग अ लैंग्वेज इज बीइंग एबल टू स्पीक. अब डायरेक्ट मेथड एम कर रहा है कि लर्नर्स को जो है लैंग्वेज लर्नर्स को उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए लैंग्वेज की, और दूसरा यह कि वो लैंग्वेज बोलने के काबिल बने, ठीक है, वो लैंग्वेज को यूज भी कर सकें, उनको बोल भी सकें. अच्छा जी, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्ट मेथड को डिस्कस कर लेते हैं. द क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस और एक्टिविटीज वर कंडक्टेड इन द टारगेट लैंग्वेज. अब इसमें यह डिसाइड किया गया कि क्लासरूम की जो इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी या फिर जो एक्टिविटीज अरेंज की जाएंगी उनको हमेशा टारगेट लैंग्वेज के अंदर ही कंडक्ट किया जाएगा. दूसरा इसमें देखा गया कि देयर वॉज एन इंडक्टिव अप्रोच टू ग्रामर. अब ग्रामर के लिए इंडक्टिव अप्रोच को यूज किया गया, मतलब यह कि आपको ग्रामर रूल्स नहीं दिए जाएंगे, आप खुद ग्रामर रूल्स को अंडरस्टैंड करेंगे, आपको ग्रामर रूल्स नहीं सिखाए जाएंगे. इसका ये होगा कि आपको मटेरियल दिया जाएगा, आप खुद ही उसमें से डिडक्शन करेंगे, आप खुद ही उनको एनालाइज करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे रूल्स को, ठीक है. ओनली एवरीडे वोकैबुलरी वाज टॉट. अब इस मेथड में जो एवरीडे की वोकैबुलरी थी वही सिखाई जा रही थी, ठीक है. फोर्थ इसमें ये देखा गया कि जो कंक्रीट वोकैबुलरी थी वो आप सिखाएंगे थ्रू पिक्चर्स के थ्रू, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, ठीक है. और जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट वोकैबुलरी होगी वो आप सिखाएंगे थ्रू द एसोसिएशन ऑफ आइडियाज. कंक्रीट वोकैबुलरी जो थी आप सिखा रहे थे पिक्चर्स के थ्रू, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, लेकिन जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट वोकैबुलरी थी फिर आप उसको सिखाएंगे कि आप उसको सिखाएंगे एसोसिएशन ऑफ आइडियाज और डिफरेंट आइडियाज को एसोसिएट करेंगे वर्ड्स के साथ ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें एब्स्ट्रैक्ट जो हमारे पास वोकैबुलरी है, ठीक है. द लर्नर वर एक्टिवली इन्वॉल्व इन यूजिंग द लैंग्वेज इन रियलिस्टिक एवरीडे सिचुएशन. सो जो लर्नर से उनको एक्टिवली इन्वॉल्व किया जाएगा लैंग्वेज को यूज करने में ताकि वो रियल लाइफ जो सिचुएशन होती हैं उनमें बोल सकें, उनमें कम्युनिकेट कर सकें, तो उनको एक्टिवली इन्वॉल्व किया जाता है. सो स्टूडेंट्स वर इनकरेज टू थिंक इन टारगेट लैंग्वेज. स्टूडेंट्स को इनकरेज किया गया, उनको मोटिवेट किया गया कि वो टारगेट लैंग्वेज के अंदर सोचें, ठीक है. स्पीकिंग वॉज टॉट फर्स्ट बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग. स्पीकिंग जो वो पहले सिखाई गई, बाद में रीडिंग एंड राइटिंग पर फोकस किया गया. थर्ड है हमारे पास कि सिलेबस जो था वो बेस्ड था सिचुएशंस के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है, ताकि बच्चों को डिफरेंट सिचुएशंस दी जाएं ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके, स्टूडेंट्स को डिफरेंट टॉपिक्स दिए जाएं जिस पर वो कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है.
एम्फोसिस इज पुट ऑन करेक्ट प्रोनंसिएशन. इस मेथड के अंदर जो है ना एम्फोसिस दिया गया कि स्टूडेंट्स जो है वो करेक्ट प्रोनंसिएशन जो है ना वो बोलें, ठीक है, उनकी प्रोनंसिएशन जो है वो करेक्ट हो. बोथ स्पीच एंड लिसनिंग कम्प्रीहेंशन वर टॉट. अब इस मेथड के अंदर स्पीच और लिसनिंग स्किल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो प्रॉपर सिखाई गई है. नॉट मेमोराइजेशन बट प्रोडक्शन. इस मेथड के अंदर जो है ना वो मेमोराइजेशन के ऊपर फोकस नहीं किया गया, मेमोराइजेशन नहीं होगी बट प्रोडक्शन होगी, ठीक है. स्टूडेंट्स को इनेबल किया गया कि वो जो है वो लैंग्वेज को यूज़ कर सकें, लैंग्वेज को बोल सकें, ठीक है. सो रोल ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं इस मेथड के अंदर. द टीचर एंड द स्टूडेंट्स आर मोर लाइक पार्टनर्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. अब इस मेथड के अंदर जो था टीचर और स्टूडेंट जो थे ना वो लाइक पार्टनर्स थे कि वो सीख रहे हैं, ठीक है, इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के अंदर. द स्टूडेंट्स रोल इन डायरेक्ट मेथड इज द एक्टिव लर्नर. अब जो स्टूडेंट जो था ना इस मेथड के अंदर वो एक्टिव लर्नर था, उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज किया गया था, ठीक है. द स्टूडेंट्स आर ऑल्सो द ऑब्जर्वर एंड प्रैक्टिशनर. अब स्टूडेंट जो था वो इस मेथड के अंदर एक तो ऑब्जर्वर भी था क्योंकि वो डिफरेंट चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था, एनालाइज कर रहा था, और सेकंड वो प्रैक्टिशनर भी था क्योंकि उनको वो प्रैक्टिस भी कर रहा था, ठीक है. अब रोल ऑफ टीचर की बात कर लेते हैं. टीचर इज द ओनली डिमॉन्स्ट्रेटर. अब टीचर जो था यहाँ पर सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा था, टीचर जो था वो सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेटर था यहाँ पर. He or she never translates but demonstrates the meaning through the use of pictures and situations. अब ये था कि जहाँ students confused हो रहे थे या students को problem आ रही थी तो वो उनको हरगिज जो है वो उनकी native language के अंदर translate नहीं कर रहा था, उनको उस problem के लिए उनको native language में translate करके उनको उनकी उस query को solve नहीं कर रहा था, बल्कि वो demonstrate करता था through the meaning, जो meaning को understand करवा रहा था through the use of pictures, situations and objects, ठीक है. डायरेक्ट द क्लास एक्टिविटीज़ कर. अब टीचर क्या कर रहा था, वो सिर्फ क्लास एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट कर रहा था, ठीक है. स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर पार्टनर्स इन लर्निंग प्रोसेस एंड देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ लर्नर लर्नर इंट्रैक्शन. अब ये था कि जो स्टूडेंट्स और टीचर्स थे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्टूडेंट्स और टीचर जो थे वो एज अ पार्टनर काम कर रहे थे एक लर्निंग प्रोसेस के अंदर. और दूसरा ये था कि इस जब टीचर के रोल में ये था कि टीचर क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा लर्नर लर्नर इंट्रैक्शन करवा रहा था, ठीक है, ताकि लर्नर्स जब एक दूसरे के साथ बात करेंगे तो वो मज़ीद जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, ज़्यादा उनकी जो हमारे पास स्पोकन स्किल्स हैं वो ज़्यादा इंट्रैक्शन के थ्रू ज़्यादा हमारी उनकी स्पोकन स्किल्स जो हैं वो ठीक हों. ये टेक्निक्स को डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले टेक्निक है रीडिंग लाउड. अब ये होता था कि स्टूडेंट्स को जो हमारे पास डिफरेंट जो है वो रीडिंग सेक्शन दिए जाते थे किसी पैसेज के या प्ले या फिर डायलॉग, ताकि उनको वो लाउडली रीड करे, ताकि उनकी जो है ना रीडिंग ठीक हो, उनकी प्रोनंसिएशन ठीक हो, ठीक है. दूसरा आ जाता था उसमें क्वेश्चन एंड आंसर एक्सरसाइज. स्टूडेंट्स को डिफरेंट क्वेश्चन, जो टीचर जो था स्टूडेंट्स से डिफरेंट नेचर के क्वेश्चंस पूछता है और स्टूडेंट जो इनको आंसर करते हैं, इससे क्या होता है कि उनकी जो है वो कम्युनिकेशन एबिलिटी जो है ना वो इन्हेंस होती है. थर्ड ये होता है कि स्टूडेंट्स सेल्फ करेक्ट. स्टूडेंट्स जो है ना खुद ही अपनी मिस्टेक को सेल्फ करेक्ट करते हैं, खुद ही अपनी मिस्टेक को ठीक करते हैं, टीचर जो है उनकी मिस्टेक को करेक्ट नहीं करता, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस. अब टीचर्स के साथ भी स्टूडेंट्स कम्युनिकेट करते हैं, उसके बाद यह है कि क्लास के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स की इंटरेक्शन होती है, कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस होती है, जिससे स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो ठीक होती हैं, ठीक है, उनकी लिसनिंग स्किल्स जो है वो इंक्रीज होती हैं. देन हमारे पास आ जाता है जी मैप ड्राइंग. अब मैप ड्राइंग में क्या होता है कि टीचर्स जो है ना वो स्टूडेंट्स को एक मैप प्रोवाइड कर देते हैं जिन पर लेबल्स नहीं होते, फिर क्या करते हैं स्टूडेंट्स जो है ना वो उन लेबल्स को लिखते हैं, उनको यूज करते हैं, जिस तरह टीचर्स उनको डायरेक्ट करते हैं. लास्ट आ जाता है जी पैराग्राफ राइटिंग. अब पैराग्राफ राइटिंग में होता है कि स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता है, उनको कहा जाता है कि वो एक पैराग्राफ लिखे अपने वर्ड्स के अंदर, ठीक है जी. एडवांटेजेस. सो पहला इसका ये कि लर्नर्स जो है ना उनका रोल एक्टिव होता है, लर्नर्स हैव एन एक्टिव रोल. दूसरा है कि द लर्निंग इज कॉन्टेक्चुअलाइज्ड. इसका मतलब यह है कि ये कैसी स्ट्रेटेजी है जिसमें जो है वो लर्नर्स तो एक तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और दूसरा ये है कि इसमें कंटेंट को और कॉन्टेक्स्ट को जो है वो कंबाइन किया जाता है, ठीक है. इट फॉलोज द नेचुरल ऑर्डर इन विच अ चाइल्ड लर्न्स L1, दैट इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड देन राइटिंग. इसमें यह है कि उसी नेचुरल ऑर्डर को फॉलो किया जाता है जिस तरह से बच्चे जो है ना वो एक्वायर करते हैं, जिसमें पहले लिसनिंग है, फिर स्पीकिंग है, फिर रीडिंग है एंड देन राइटिंग है, ठीक है. इट लेज ग्रेट एम्फोसिस ऑन स्पीकिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल फॉर मेनी लर्नर्स. सो ये इसका जो एम्फोसिस है वो सबसे ज़्यादा स्पीकिंग पे होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है ऑफ फॉर मेनी लर्नर्स. इट अवॉइड्स अ अननेचुरल ब्लॉक ऑफ ट्रांसलेशन इनटू इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस. और ये क्या करता है, अवॉइड करता है कि हमारे पास जो है ना अननेचुरल ब्लॉक ना हो, ट्रांसलेशन ना हमारे अंदर जो इस कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर ट्रांसलेशन जो है वो इन्वॉल्व ना हो, ठीक है.
देन है लर्नर्स लर्न द लैंग्वेज नॉट अबाउट द लैंग्वेज. इसमें जो है ना लर्नर्स जो है ना वो एक्चुअली में लैंग्वेज को लर्न करते हैं, वो कम्युनिकेट करना सीखते हैं, ना कि लैंग्वेज के रूल्स को समझते हैं, लैंग्वेज को सीखते हैं. ठीक है. उसके बाद ये कि लाइवली क्लासरूम प्रोसीजर्स मोटिवेट द लर्नर. अब जिस तरह से जब टीचर और स्टूडेंट जो है ना वो एज अ पार्टनर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एक क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट होता है वो लाइवली होता है, स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है. ड्यू टू इट्स एम्फोसिस ऑन स्पीच इट्स बेटर फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव अ नीड ऑफ रियल कम्युनिकेशन इन इंग्लिश. क्योंकि ये स्पोकन पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, लिसनिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट जिनको कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए ये मेथड बहुत अच्छा है. देन है कि इट मेक्स द लर्निंग ऑफ इंग्लिश इंटरेस्टिंग एंड लाइवली बाई एस्टैब्लिश डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन अ वर्ड एंड इट्स मीनिंग. फिर लास्ट पे आ जाता है कि ये जो है वो इंग्लिश को जो है ना वो लर्निंग इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कर देता है, क्योंकि ये एक्चुअली में एक डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा होता है एक वर्ड के और इसके मीनिंग के अंदर. ठीक है. डिसएडवांटेजेस. सो पहले इसका डिसएडवांटेज ये है कि इट वर्क्स ऑन द अजम्पशन डैट अ सेकेंड लैंग्वेज इज लर्न एग्जैक्टली द सेम एज फर्स्ट. सो पहले इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये इस अजम्पशन पर काम करता है कि आप सेकेंड लैंग्वेज है ना वो एग्जैक्टली वैसे ही लर्न कर सकते हो जैसे कि आप फर्स्ट लैंग्वेज को करते हो. ठीक है. सेकेंड ये है कि इट इज़ हार्ड फॉर द पब्लिक स्कूल टू इंटीग्रेटेड क्लासरूम साइज टाइम टीचर बैकग्राउंड नेटिव स्पीकर और नेटिव लाइफ फ्लुएंसी मेड सच ए मेथड डिफिकल्ट टू यूज़. अब सेकेंड इसमें यह है कि जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनके लिए इस मेथड को यूज़ करना बड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज क्लासरूम साइज के कितने स्टूडेंट्स क्लासरूम में होने चाहिए, टाइमिंग जो है टीचर का बैकग्राउंड जो है वो बड़ा मैटर करता है कि टीचर जो आया वो नेटिव स्पीकर है, उसकी नेटिव जैसी फ्लुएंसी है या नहीं है. सो इस वजह से ये मेथड जो है ना वो डिफिकल्ट टू यूज़ है. ठीक है. थर्ड है द मेथड कैन बी इफेक्टिवली यूज ओनली बाय द टीचर्स हु आर नेटिव स्पीकर्स. अब ये मेथड जो है ना उस सूरत में इफेक्टिवली यूज हो सकता है कि जब टीचर जो है वो हमारे पर नेटिव स्पीकर हो. अगर टीचर नेटिव स्पीकर नहीं है सो ये मेथड जो है ना उस तरह से इफेक्टिव नहीं होगा. देर आर मैनी एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स विच कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड डायरेक्टली इन इंग्लिश एंड मच टाइम एंड एनर्जी आर वेस्टेड इन मेकिंग द अटेम्प्ट्स फॉर द पर्पस. अब ये कि इसमें बहुत से ऐसे एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स होते हैं लैंग्वेज के अंदर जो कि आप डायरेक्टली इंटरप्रेट नहीं कर सकते, उनको डायरेक्टली जो आप इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट नहीं कर सकते. ठीक है. तो इसके लिए बहुत सी एनर्जी रिक्वायर्ड है, बहुत सा टाइम रिक्वायर्ड है इस अटेम्प्ट को करने के लिए. ठीक है. द मेथड इग्नोर सिस्टमैटिक रिटन वर्क एंड रीडिंग एक्टिविटीज एंड सफिशियंट अटेंशन इज नॉट पेड टू रीडिंग एंड राइटिंग. अब यह कि ये मेथड जो है ना हमारे पास जो एक्चुअली सिस्टमैटिक राइटिंग होती है, एक्चुअली जो अकेडमिक राइटिंग होती है उसके ऊपर फोकस नहीं करता, रीडिंग एक्टिविटीज के ऊपर उस तरह से फोकस नहीं करा और जो है ना रीडिंग और राइटिंग के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दी गई, सफिशिएंट अटेंशन नहीं दी गई. ठीक है. देर इज अ डर्थ ऑफ टीचर्स ट्रेंड एंड इंटरेस्टिंग इन टीचिंग इंग्लिश इन दिस मेथड. अब वो कह रहे हैं कि जो अगर इस मेथड को यूज़ करने के लिए ना एक प्रॉब्लम ये है कि टीचर्स जो है ना उनको प्रॉपरली ट्रेंड नहीं किया गया. ठीक है. और टीचर्स जो है ना वो इस मेथड को यूज़ करने के लिए उस तरह से इंटरेस्टेड नहीं है. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट. बाकी हम ये कह सकते हैं कि आप इस मेथड के ऊपर जो है ना आप रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये चारों स्किल्स को टैकल नहीं कर रहा, सिर्फ स्पोकन के ऊपर लिसनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, हमारे पास रीडिंग एंड राइटिंग के ऊपर जिसका उस तरह से फोकस नहीं है. सो आप एक मेथड पे रिलाई नहीं कर सकते जब आप लैंग्वेज टीचर हैं. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट. थैंक यू सो मच.